जो हमारा विषय है वो है दुखों का सामना। हम अपने मसीही जीवन में दुखों का सामना हम कैसे करें। हम लोग दुखों से होकर गुजरते हैं, अलग अलग तरीके से हमारे जीवनों में दुख आते हैं, सामाजिक तरीके से, जैसे कि आजकल हम देख सकते हैं कि क्या परिस्थिति है। और वही चीज उस समय पर भी हो रही थी। रोमी संसार सरकार के द्वारा, नीरो के द्वारा लोगों को सताया जा रहा था, और वर्तमान में भी हम उसी सिचुएशन को, परिस्थिति को हम देखते हैं। पत्रस ये बताता है कि आपके जीवन में जब दुख आता है, हालेलुया, तो आपको उसको किस प्रकार, आप उस दुख में बने रहकर उस दुख को सामना करके परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। और जब हम 4:12 हम पढ़ते हैं, 4:12-19 तक आज हम पढ़ेंगे, और हम यहां से प्रभु के वचन को सीखेंगे। 4:12 जब हम पढ़ते हैं, तो पहली ही बात, जैसे कि पिछले हफ्ते भी हमने सीखा था, वो हमें पत्र सिखाते हैं कि हैरान मत होना जब आपकी जब सताव का सामना आपको करना पड़े। हालेलुया। आपको हैरान नहीं होना है, आपको अचंभित नहीं होना है जब आपके जीवन में सताव, पीड़ा, परेशानी जब आपके जीवन में आती है। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, हे प्रियो, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसलिए आई कि तुम्हारी परख हो, इसे यह समझकर अचंभा न करना कि कोई अनोखी घटना तुम पर घट रही है। अचंभित नहीं होना कि तुम्हारे ऊपर इस प्रकार के दुख आ रहे हैं। हालेलुया। ये प्रभु ने हमें बताया था कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, अब तुम इस संसार के नहीं हो, इसलिए ये संसार तुमसे बैर रखता है। इन्होंने मुझे सताया, ये तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। तो हमें हैरान नहीं होना है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब वो दुख पीड़ा उनके सामने आए, वो अचंभित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने, उनको पता था कि पहले ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनको ये बता दिया गया था कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। वो उस दुख का सामना करने के लिए तैयार थे, और उन्होंने दुख का सामना किया और परमेश्वर पिता की महिमा की। हालेलुया। हालेलुया। और वह जिस प्रभु ने, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु ने, जिसने हमारे लिए दुख उठाया, उसने हमें पहले ही बता दिया। हालेलुया। तुम मेरे पीछे आओगे तो संसार तुम्हें सताएगा, तो हमें अचंभित नहीं होना, हमें बता दिया गया है। प्रभु के साथ अगर हमें चलना है, उसके लिए हमें जीने का अगर हम निर्णय लेते हैं, तो हमें दुख का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं, दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पत्रस ने पिछले हफ्ते जैसे बताया था, हम उस बात को अब भी हम दोहराएंगे कि हम कैसे, हम जब दुख आते हैं तो हम किस प्रकार इनका हम सामना करें। हमने सीखा था कि हमें मसीह की मनोवृत्ति को अपनाना है अपने जीवन में। हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया इस संसार में दुखों के प्रति मसीह के जैसा होना चाहिए। हालेलुया। मसीह के जैसे उस यीशु मसीह ने इस संसार में दुख उठाए, तब जो उसका नजरिया था दुखों के प्रति, वही हमारा होना चाहिए। हालेलुया। और वो यीशु मसीह की मनोवृत्ति जो है, दुखों को सामना करने के लिए हमारा हथियार हमें बना लेना है, तब हम इन दुखों का सामना कर सकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने जीवन में आने वाले सताओं को प्रभु के दृष्टिकोण से, प्रभु के नजरिए से हम देखें। हालेलुया। प्रभु का नजरिया, प्रभु को पता था कि मैं दुख उठाऊंगा, जैसे कि इसने अपने चेलों से कहा था कि मनुष्य के पुत्र के लिए जरूरी है कि वो दुख उठाए, मार दिया जाए, उसको दफना दिया जाए, तीसरे दिन वो फिर से पुनरुत्थित हो जाए और नया जीवन हो पाए। हालेलुया। उसी प्रकार हमारा दृष्टिकोण भी ये होना चाहिए। ये जो दुख है हमारे जीवन के लिए, ये कुछ समय का है, ये पल भर का है, खत्म हो जाएगा और हम अनंत काल की महिमा में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और पत्रस यहां पर यह भी बताता है कि जो दुख हमारे जीवन में आता है, उसके पीछे एक उद्देश्य है, एक मकसद है। हालेलुया। जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य है, एक रहस्य है। वो क्या है? एक मकसद है दुख के पीछे। इसलिए प्रभु हमारे ऊपर उसको आने देता है।
हमारे जीवनों में परमेश्वर परीक्षाओं को आने के लिए अलाउ करता है एक मकसद के द्वारा, एक मकसद है उसके पीछे क्या है। 4:12 में ही हम इसे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, हे प्रिय दुख रूपी अग्नि परीक्षा तो तुम्हारे मध्य इसलिए आई कि तुम्हारी परख हो, क्या हो, तुम्हारी परख हो, तुम परखे जाओ, तुम्हारी परीक्षा ली जाए। हालेलुया, इसलिए ये दुख, ये अग्नि परीक्षा तुम्हारे जीवनों में आती है। हालेलुया, तो जो दुख, जो सताव हमारे जीवनों में आता है वो ऐसे ही नहीं आता, परमेश्वर से अलाव करता है कई बार हमारे जीवनों में आने के लिए एक मकसद के साथ में। वो मकसद क्या है, ताकि हमारी परख हो सके, हमें परखा जा सके, हमारे विश्वास की शुद्धता को, प्यूरिटी को परखा जा सके। इसलिए वो सताव, वो दुख हमारे जीवन में परमेश्वर आने देता है। परीक्षा जो हमारे जीवनों में आती है वो हमें शुद्ध करती है, वो हमें परिपक्व करती है, वो हमें मजबूत बनाती है। हालेलुया, जो सताव, जो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है वो क्या करती है, हमें मजबूत बनाती है, वो हमें दृढ़ करती है, हमें परिपक्व बनाती है। हालेलुया, रिफाइन करती है वो हमें, रिफाइनरी प्रोसेस आपने सुना होगा ना, जैसे सोने को आग में रिफाइन किया जाता है, कितने टेम्परेचर पे, लगभग 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म किया जाता है और सोना मेल्ट हो जाता है और उसकी सारी अशुद्धियां खत्म हो जाती है और प्योर सोना बच जाता है। और उसकी शुद्धता के बाद में जो सोना बचता है वो बहुत कीमती होता है, बहुत सुंदर होता है, उसकी चमक बढ़ जाती है। वही कार्य सताव, परीक्षाएं हमारे जीवन में करती है। हालेलुया, जब वो हमारे जीवनों में आती है वो हमें शुद्ध करती जाती है, हमें परिपक्व करती जाती है, हमें मजबूत करती जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या मकसद है परीक्षाएं हमारे जीवन में, परिवर्तन लाने के लिए परमेश्वर के द्वारा अलाव की जाती है कि वो हमारे जीवनों में आए। परीक्षा हमें नम्र बनाती है, क्या करती है, हमें जब हमारी परख होती है, जब हम दुख से होकर गुजरते हैं हमारा मन नम्र हो जाता है। हम परीक्षाएं हमें सताव हमें क्या बनाता है, हमें नम्र बनाता है। हालेलुया, परीक्षाओं से होकर जब हम जाते हैं तब हम ये सीखते हैं कि हम सच में कितने कमजोर हैं, हम कितने कमजोर हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत है, हर कदम पर, हर क्षण हमें परमेश्वर की जरूरत है, हम कमजोर हैं। बार बार जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है वो हमें ये एहसास दिलाती है कि तुझे परमेश्वर की जरूरत है, कि मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं। परीक्षाएं जो हमारे जीवनों में परमेश्वर अलाउ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम परमेश्वर पर निर्भर होना सीख जाएं, परमेश्वर पर डिपेंड होना हम सीख जाएं। हालेलुया, इसलिए आती है कि हम परमेश्वर पर निर्भर होना सीख जाए, डिपेंड होना सीख जाए। कई बार हम अलग अलग चीजों पर निर्भर हो जाते हैं, मुझे ज्ञान बहुत है, मेरा ज्ञान मेरी निर्भरता बन जाता है कि मैं काफी हूं, हमारा धन कई बार निर्भरता बन जाता है, कई अलग अलग तरीके से। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी बात है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं, क्योंकि धन और संसार की चीजें तो खत्म हो जाएंगी, नाशवान है वो, उनसे हमें जीवन या मुक्ति, हमें उद्धार नहीं मिलने वाला। जीवन, मुक्ति, उद्धार पापों की क्षमा में प्रभु यीशु से मिलने वाली है। ये जब सताव आता है, हालेलुया, वो हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाता है। जब हमें एहसास होता है कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को झुका देते हैं। हालेलुया, हम पश्चाताप करते हैं, हम प्रभु के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने हमेशा ऐसे ही बने रहें। हालेलुया, इसलिए वो हमारे जीवनों में इन सताओं, परीक्षाओं को आने देता है। इनके पीछे एक मकसद है, इसे हमें समझने की जरूरत है। इस दृष्टिकोण से, इस नजरिए से आप अपने जीवन में आने वाले संघर्षों को देखिए। हालेलुया, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जब लोग अपनी गवाही देते हैं, उनकी अक्सर उनकी गवाही ऐसी होती है कि
मेरे जीवन में ये कष्ट था, ये दुख था, ये परेशानी थी, लेकिन जब मैं प्रभु के सामने हमने प्रार्थना की, हम परमेश्वर के करीब गए, हमने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। यही गवाही होती है ना लोगों की, हम जब दुख में होते हैं हम परमेश्वर की नजदीकी को और गहराई से हम महसूस कर पाते हैं। आपने बहुत से लोगों के गवाही इस प्रकार सुनी होगी कि दुखों के द्वारा लोग परमेश्वर के नजदीक आए, उनके जीवन के कष्टों के द्वारा लोग परमेश्वर के नजदीक आए। हालेलुया। इब्रानियों 5:8 में इस प्रकार लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख सहकर आज्ञा पालन करना सीखा। हालेलुया। सताव हमें सिखाते हैं। हालेलुया। हमें सीखने के लिए हमारे मन, हमारी बुद्धि को, हमारे हृदय को तैयार करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है इब्रानियों 5:8 में, पुत्र होने पर भी, हालेलुया, वो पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने पर भी उसने दुख सहकर उसने आज्ञा पालन करना सीखा। यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने दुख उठाकर आज्ञा पालन करना सीखा। इब्रानियों की किताब में इस प्रकार लिखा हुआ है। हालेलुया। जिम कौन कौन जाते हैं? किसी के पास टाइम नहीं है, समझ सकते हैं। मैं बहुत साल पहले जाया करता था। जब हम जिम जाते हैं तो हम कसरत करना शुरू करते हैं ना, प्रैक्टिस वर्जिश करना शुरू करते हैं, वजन उठाते हैं, दौड़ते हैं, रस्सी कूदते हैं, अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेस करते हैं। उससे हमारे शरीर में पहले शुरुआत में दर्द होता है कि नहीं होता है, थकावट होती है, जिस दिन हमने कर ली दूसरे दिन ऐसा लगेगा कि करनी ही नहीं चाहिए, अंदर से नहीं होगी। लेकिन हम कंटिन्यू करते रहते हैं तब क्या होता है, हमारा शरीर मजबूत हो जाता है। वो दर्द सहते हुए भी हम उसको लगातार करते रहते हैं तो हमारा शरीर, हमारी मसल्स डेवलप हो जाती, मजबूत हो जाती। वही कार्य सताव परीक्षाएं हमारे आत्मिक जीवन में करती है, हमारी आत्मा के लिए इसी प्रकार सताव कार्य करते हैं। हम दुख उठाते हैं लेकिन दुख उठाते हुए निरंतर चलते रहते हैं, हमारी आत्मा मजबूत होती जाती है प्रभु में। हालेलुया। और दूसरी बात जो पत्रस सिखाते हैं वो है कि हम दुख उठाकर मसीह के दुख में सहभागी होते हैं। हम अपने जब हम दुख उठाते हैं, मसीह के दुखों को हम साझा करते हैं, मसीह के दुखों में हम सहभागी होते हैं। हालेलुया। 4:13 में इसे पढ़ेंगे हम, परंतु जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते रहते हो तुम आनंदित रहो, जिससे कि उसकी महिमा प्रकट होते समय भी तुम आनंद से उल्लसित होते जाओ। जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते रहते हो, जब हम दुख उठा रहे हैं तो हम मसीह के साथ अपने दुखों का साझा करते, मसीह के दुख में हम सहभागी होते हैं। हालेलुया। जब हम इस संसार में हमारे पास कोई आशा नहीं थी, जब हम पाप में गिरे हुए थे, पाप में पड़े हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ मानवता को साझा किया। कैसे किया? प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस संसार में, इस दुनिया में आए। हालेलुया। इस दुनिया में कैसे? देहधारी, अब देह को धारण करने के द्वारा उन्होंने मनुष्य की देह को धारण किया हमारे लिए। हालेलुया। उन्होंने मानवता को हमारे साथ साझा किया। हालेलुया। इसी प्रकार हम जब दुख उठाते हैं, मसीह के दुखों में हम सहभागी होते हैं। हालेलुया। उसने दुख उठाया ताकि आज जो दुख हम उठाते हैं वो अर्थहीन ना ठहरे। हालेलुया। उसने भी संसार में रहकर दुख उठाया है और हम भी संसार में रहकर दुख उठाते हैं। जब पत्रस इस बात को सिखा रहा है, आपको पता है मरकुस 8 अगर आप पढ़ोगे 31-33, उसमें आप जो बातें पत्रस यहाँ पर हमें सिखा रहा है वो बात मरकुस 8:31 में इस बात का वो विरोध कर रहा था, क्योंकि उसने इस बात को समझा ही नहीं था, दुख उठाना के बारे में उसने समझा ही नहीं था। क्या कहता है मरकुस 8:31-33 में, तब वह उन्हें उपदेश देने लगा कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र बहुत दुख उठाए और प्राचीनों और महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा तिरस्कृत किया जाकर मार डाला जाए तथा 3 दिन के बाद जी उठे। प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं चेलों के सामने। और तभी पत्रस एक काम करता है,
यह वह बात स्पष्ट रूप से कह रहा था, इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। क्या करने लगा? झिड़कने लगा, प्रभु तू क्यों दुख उठाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु को डांट रहा है, तुम कैसे दुख उठाओगे। प्रभु ने क्यों भी उसके लिए वो उस व्यवस्था में लिख दिया गया है कि मनुष्य के पापों को वो अपने ऊपर उठाएगा और क्रूस पर अपनी बलिदान को देगा। प्रभु यीशु मसीह उसी भविष्यवाणी के सामने कर रहे हैं कि आने वाले समय में मैं दुख उठाऊंगा, मैं मार डाला जाऊंगा, मैं तिरस्कृत किया जाऊंगा। पत्रस कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता आपके साथ, आप दुख नहीं उठा सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे? परंतु उसने मुड़कर चेलों की ओर देखा और पत्रस को डांट कर कहा, हे शैतान मेरे सामने से हट जा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा वहां पे। लेकिन अब पत्रस प्रभु यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है कि तुम जब दुख उठा रहे हो, तुम अकेले दुख नहीं उठाया, तुम्हारे जैसे तुम आप दुख उठा रहे हो, इससे बड़ा दुख, महान दुख प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए उठा लिया है। हालेलुया, तुम पहली बार दुख नहीं उठा रहे, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपने शरीर पर दुखों को उठा चुका है। हालेलुया, जब उस बात को हमें सिखा रहा है, इस बात के पहले विरोध में था लेकिन अब उस बात को समझ रहा है दुख उठाने का मतलब क्या है। हालेलुया, और जैसे मसीह ने दुख उठाया वैसे हम भी उठाते हैं बाद में, वैसे ही जैसे प्रभु की महिमा, जैसे प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने के बाद में महिमा में प्रवेश किया, वैसे ही हम भी इन दुखों के बाद महिमा में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, और यही बात वो हमें आगे बताता है कि जो दुख उठा रहे हो ये ऐसी व्यर्थ नहीं है। तुम्हें संसार में कष्ट जरूर होता है लेकिन याद रखो कि मसीह की महिमा और आनंद में भी तुम सहभागी होगे। अगर तुम मसीह के दुखों में सहभागी हो वर्तमान संसार में, लेकिन आने वाले समय में तुम मसीह की महिमा और आनंद में भी तुम लोग सहभागी होगे। हालेलुया, हालेलुया। कैसा लगता है ये बात सुनकर? जब इस समय हम परेशान हैं, दुख हमारे सामने, हमें सताया जाता है, मारा जाता है, उस समय पर जो नीरो था वो पता क्या करता था? नीरो जो राजा था, इतिहास का सबसे क्रूर राजा उसको कहा जाता है, वो मसीह लोगों के ऊपर जो चारकोल होता है ना रोड पे जो बिछाने वाला, क्या बोलते हैं, हाँ डाबर बोलते हैं कहीं पे, चारकोल बोलते हैं कहीं पर, रोड पे ब्लैक कलर का जो होता है वो डाल के उनको मसीह लोगों को वो जला देता था। अपने घर में रोशनी, अपने पार्टियों में रोशनी करने के लिए मसीहियों को जला देता था। इतनी क्रूरता उस वक्त थी, आज के समय पर उतनी ज्यादा हम नहीं देखते हैं, बट इससे पहले लोगों ने बहुत महान दुख उठाया है ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और उससे भी पहले प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के लिए महान दुख उठाया है। लेकिन ये दुख व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये हमें मजबूत कर रहे हैं, ये हमें एक आकार दे रहे हैं, एक सांचे में परमेश्वर हमें ढाल रहा है इन दुखों के द्वारा। हालेलुया, वो हमें वैसा बना रहा है जैसा वो हमें देखना चाहता है। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ते हैं और इफिसियों की किताब में आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह को क्या दूल्हा कहा है? क्या कहा गया है? दूल्हा। कल दुल्हन कौन है? कलीसिया, कलीसिया उसकी दुल्हन है। हालेलुया, इस वक्त जब दुख पीड़ा है, समस्याएं आ रही हैं, वो हमें एक सजा रही है, तो परमेश्वर अपनी दुल्हन को स्वीकार करने से पहले वो उसे सजा रहा है। हालेलुया, वो उसे एक सुंदर रूप दे रहा है। हालेलुया, वो एक सुंदर रूप दे रहा है। जब परीक्षाएं दुख हमारे जीवन में आती है उनके द्वारा परमेश्वर हमें बिल्ड करता है, हमें बनाता है, वो आकार हमें देता है जिस आकार में वो हमें देखना चाहता है, वो गुण वो चीजें हमारे अंदर वो उत्पन्न करता है जो हमारे अंदर नहीं है लेकिन परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया, तो ये व्यर्थ नहीं है, ये तैयारी है परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने की, हम उसकी महिमा में और आनंद में भी सहभागी होंगे। देखिए क्या लिखा है 13 में, दोबारा पढ़ेंगे,
जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते रहते हो, तुम आनंदित रहो जिससे कि उसकी महिमा के प्रकट होते होने होते समय भी तुम आनंद से उल्लसित हो जाओ। हालेलुया। जब हमें दुख उठा रहे हैं, आने वाले आनंद के आनंद को ये बढ़ा रहा है हमारे जीवन में जो दुख है। हालेलुया। हम सिर्फ दुख ही नहीं उठा रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं और वो समय होगा, हालेलुया, जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ आसमान पर आएगा, हालेलुया, और हम सब उसकी महिमा में प्रवेश करेंगे। हम सब उसकी महिमा में प्रवेश करेंगे। जो दुख आप उठा रहे हैं ये व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। ये आपको तैयार कर रहा है, हम सबको तैयार कर रहा है। परमेश्वर एक आकार अपनी कलीसिया को दे रहा है। हम उसके आनंद में उसकी महिमा में सहभागी होंगे। लिखा है चार तरह के दुख, जिसके तुम आनंदित रहो। जब तुम दुखों में सहभागी होते हो तो तुम आनंदित रहो जिससे कि उसकी महिमा की प्रकट होते समय में तुम आनंद से उल्लसित होते जाओ। हम कैसे हम आनंद मनाएं दुखों के मध्य, जो हमने बात सीखी है उस नजरिए से अपने जीवन के दुखों को देखना शुरू करें। हालेलुया। कि ये दुख मेरे जीवन में जो है वो कुछ समय के लिए है और ये दुख मेरे जीवन को नया बना रहा है, शुद्ध कर रहा है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही ये दुख, ये पीड़ा, ये परेशानी मुझे शुद्ध कर रही है, मुझे पवित्र कर रही है। क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है कि उसकी दुल्हन जो है, कलीसिया जो है, वो शुद्ध हो, पवित्र हो, सुंदर हो। हालेलुया। हमारे अंदर अशुद्धताएं हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, हमारे अंदर अशुद्धताएं हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जो परीक्षाएं हमारे ऊपर भेजी जाती हैं, हम दिन प्रतिदिन उनसे हम निकलते जाते हैं और हम नए होते जाते हैं। हालेलुया। तो ये दुख जो है हमारे जीवन में हमेशा नहीं बने रहेंगे, इस बात की ओर आप ध्यान दीजिए। तुम आनंदित रहो जब दुख उठाते हो, ऐसे लिखा। कैसे आनंदित रहो? ये याद रखो कि ये दुख पल भर के हैं, ये खत्म हो जाएंगे और हम एक दिन दुखों से आजाद होकर स्वर्ग में अपने परमेश्वर के, अपने प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसकी चरणों में बैठकर उसकी आराधना करेंगे। वहां पर कोई दुख देने वाला नहीं होगा, वहां पर सिर्फ आराधना करने वाले होंगे। हालेलुया। हमारे दिलों को दिखाने वाले लोग यहाँ पर बहुत होंगे। उसने मुझे ये बोल दिया, मेरा दिल दुख गया, मुझे दुख हुआ। ये संसार है, जब तक हम हैं ऐसी चीजें होती रहेंगी। प्रभु का वचन कहता है सह लो, क्षमा करो और प्रेम करो। हालेलुया। ये कुछ समय की बात है, हम वहां पर होंगे जहां पर ये चीजें होंगी ही नहीं। कोई लड़ाई करने वाला नहीं होगा, कोई दुख देने वाला नहीं होगा, कोई निंदा करने वाला नहीं होगा। हालेलुया। वहां पर हमारा प्रभु होगा, हम होंगे और हम उसकी आराधना, उसकी महिमा कर रहे होंगे। हालेलुया। हम यहाँ पर तो हफ्ते में 2 घंटे के लिए मिलते हैं, लेकिन जब हम वहां पर जाएंगे स्वर्ग में, जब अपने पिता के सामने जाएंगे, 2400 घंटे हम उसकी आराधना कर रहे होंगे। हालेलुया। इस वक्त हम दुख उठाते हैं, बीमार है, परेशान है, ये चीजें बहुत सारी है, कमी है, कटियां, गरीबी है, खर्चा है, बहुत सारे कष्ट हम इस वक्त उठा रहे हैं, लेकिन वहां पर लिखा है वहां पर कोई दुख नहीं होगा। परमेश्वर हमारे आंसुओं को हमेशा के लिए पोंछ देगा। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर बीमारी नहीं होगी, वहां पर भूख नहीं होगी, वहां पर सिर्फ प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना होगी। इसके लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, इसके लिए परमेश्वर हमें खड़ा कर रहा है। हालेलुया। 4:14 में से इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तुम मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। क्या हो? अगर तुम मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा होती हो तो तुम धन्य हो। दुखों के कारण तुम धन्य हो जो तुम मसीह के कारण उठाते हो। हालेलुया। तुम आशीषित लोग हो, तुम सौभाग्यशाली लोग हो अगर तुम मसीह के लिए दुख उठाते हो। हालेलुया। जब हम दुख उठाते हैं,
अपने आप को पीड़ित मत समझिए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। प्रेरितों को जब हम देखते हैं प्रेरितों की किताब में, पौलुस का पत्रस और यूहन्ना को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और उनको पीटा गया, वहां पर उनकी पिटाई की गई, जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन रात को स्वर्गदूतों ने इनके बंधनों को खोल दिया। दूसरे दिन वो बाहर जाकर मंदिर में खड़े होकर लोगों को प्रभु का वचन सुना रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उससे पहले वो पिटाई खा के आए, उनके शरीर पर बहुत गहरे चोटों के निशान थे, लेकिन उनकी भाषा क्या है, उन्होंने क्या बोला, हम धन्य हैं कि हमें प्रभु के नाम के कारण दुख सहने का मौका मिला। हालेलुया। जब हम दुख उठाते हैं अपने आप को धन्य समझिए, क्योंकि हम प्रभु के, हम हमारी पहचान हमारे प्रभु यीशु के साथ की जा रही है। हालेलुया, हमारी पहचान हमारे प्रभु यीशु के साथ में की जा रही है। जब हम दुख उठाते हैं वे दिखाते कि सच में हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लिए जब हम दुख उठाते हैं, जब हम दुख उठाते हैं, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, आप सोच लीजिए, आप ये जान लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं, आप सही ट्रैक पर हैं। प्रभु ने कहा था कि अगर तुम मेरे लिए जीने का निर्णय तुम लेते हो तो जैसे मुझे सताया था वैसे ही तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। तो लोग अगर हमें सताते हैं तो याद रखिए आप सही ट्रैक पे हैं, क्योंकि अगर आप दुनिया के साथ समझौता कर लेंगे तो दुनिया आपको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन आप प्रभु के लिए जीने का निर्णय लेंगे वो आपको सताएंगे। और आपको एक अलार्म के जैसे है जब आप सुख उठाते हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर दुख नहीं, हमारा विरोध नहीं होता, दुख नहीं उठाते तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, हमें देखने की जरूरत नहीं, दुनिया के साथ तो हम नहीं मिल गए हैं, क्योंकि अगर हम उसके साथ चलेंगे तो हमें क्यों कुछ कहेंगे। लेकिन हम प्रभु के साथ चलते हैं तो वो प्रभु की पवित्रता उन्हें छूती है। शैतान जो अदृश्य है उनके जीवनों के द्वारा उनके अंदर होकर हमारे सामने विरोध को लेकर आता है। जब हम हमारे जीवन में जब दुख आता है, ये दुख हमें परमेश्वर की ओर अगुवाई करता है, हमें लीड करता है परमेश्वर की ओर नजदीक जाने के लिए। हालेलुया। क्या करता है, हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर के करीब ओर जाने के लिए। लेकिन आगे जब पत्रस को पढ़ते हैं तो पत्रस में ये भी बोलता है कि तुम देखो दुख उठा रहे हो, लेकिन इसका कारण क्या है, प्रभु के कारण दुख उठा रहे हो या अपनी गलतियों के कारण दुख उठा रहे हो। जब हम गलतियों के कारण दुख उठाते हैं उसकी सिर्फ सजा है, इसका प्रतिफल सजा है। लेकिन हम प्रभु अपनी अपनी गलतियों के कारण उठाते हैं तो उसकी सजा है, लेकिन प्रभु के लिए जब हम दुख उठाते हैं तो हम उसकी उसका प्रतिफल ये है कि उसकी महिमा में, उसके आनंद में प्रवेश करने पाएंगे। 16 में हम पढ़े, 4:16 इस प्रकार लिखा है, पर यदि कोई मसीही होने के कारण दुख उठाता है तो वह लज्जित न हो परंतु इस नाम के लिए परमेश्वर की महिमा करे। यदि कोई मसीही होने के कारण, बाइबल में सिर्फ 3 बार मसीही नाम आया है, अगर तुम मसीही होने के कारण दुख उठाते हो तो लज्जित मत होइए, शर्मिंदा मत होइए। जब आपका कोई विरोध करता है तो लज्जित होने की जरूरत नहीं, अरे मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा मेरी मेरी निंदा कर दी, मेरी इंसल्ट कर दी उस व्यक्ति ने, नहीं, धन्यवाद है। यहां पर भी कहता है तुम्हें लज्जित होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम किसके नाम के कारण दुख उठा रहे, मसीही होने के कारण, मसीह के साथ हमारी पहचान की जा रही है। हालेलुया। हमें मसीह के साथ हमें पहचाना जा रहा है और इस नाम के लिए परमेश्वर की क्या करो, जब दुख उठाते हो मसीही होने के कारण तो तुम क्या करो, लज्जित नहीं होना, लेकिन इस नाम के कारण परमेश्वर की महिमा करें। दुख है लेकिन उसके मध्य परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु का वचन हमें प्रेरणा दे रहा है। दुखों के मध्य हम परमेश्वर की महिमा, यीशु की महिमा हम कैसे कर सकते हैं, दुख उठाने के द्वारा प्रभु को महिमा कैसे देते हैं, दुख सहते हुए भी हम मसीह में जब बने रहते हैं तब हम प्रभु को महिमा दे रहे हैं, तब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं।
जब दुख हमारे जीवन में होता है उस वक्त भी हम भागते नहीं हैं, हम मसीह का इनकार नहीं करते हैं, हम मसीह का अंगीकार करते हैं। हालेलुया, उससे परमेश्वर की महिमा हम कर रहे हैं। दुखों के मध्य भी परमेश्वर का अंगीकार करने के द्वारा हम, चाहे दुख है पीड़ा है, लेकिन हम परमेश्वर का अंगीकार करते हैं, उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और दुख के समय परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा हम विश्वास में बने रहते हैं, इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये जरूरी है कि हम, जैसे कि बीच में एक बात ये भी आई कि जो दुख है वो हमें परमेश्वर की और परमेश्वर की नजदीकी में हमें लेकर हमें जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की ओर हमारी अगुवाई करते कि हम परमेश्वर को थाम ले, और परमेश्वर यही चाहता कि उसे मजबूती के साथ हम उसे पकड़ ले, उसे हम चिपक जाए, उसे हम थाम ले अपने हाथों में, ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन वर्तमान में आप लोगों को सुनकर ये हैरानी होगी कि इस समय जब न्यूज आती रहती है कि बहुत सारे लोगों ने प्रभु को त्याग दिया और अपने पुराने जीवन में वापिस चले, क्योंकि वो दुख नहीं उठाना चाहते, वो दुख नहीं उठाना चाहते, उनको मुश्किल लगता है दुख उठाना, और उन्होंने प्रभु को त्याग दिया और वो वापिस चले गए, उन्होंने अनंत जीवन के आशा को उन्होंने खो दिया, क्योंकि उन्होंने डर को शायद बहुत मजबूती से थाम रखा था, समाज की चुनौतियों को शायद उन्होंने मजबूती से थाम रखा था। याद रखिए, जिस चीज को हम मजबूती से पकड़ेंगे हम उसी के नजदीक पाए जाए, उसके करीब रहेंगे। अगर हम डर को मजबूती से पकड़ते हैं तो वो डर ही हमारे अंदर होगा। अगर हम इस संसार की चीजों को मजबूती से पकड़ेंगे तो हमारी पकड़ मसीह के ऊपर से लूज हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। अगर संसार की जो भी चीजें हैं, हम उनको, पैसे को, धन को, या और अभिलाषाओं को, अपनी हॉबीज को, कई सारी चीजें हो सकती है, अगर हम उनको मजबूती से पकड़ लेंगे, सिर्फ वही हमारा फोकस और वही हमारा जीवन हो जाएंगे, तो मसीह के ऊपर से हमारी पकड़ ढीली हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा भी होगा, जैसे वर्तमान में हो रहा है, कि जब सताव आएगा, परेशानियां आएंगी, क्योंकि आपने प्रभु को थाम नहीं रखा, मजबूती से उसे नहीं पकड़ा है, आप आसानी से वहां से निकल कर प्रभु से दूर हो जाएंगे। हम अपने आप से ये सवाल भी करें कि मैंने किसको मजबूती से पकड़ा हुआ है। और 4:17 में ऐसे बताता है कि अभी समय नजदीक है जब न्याय होने वाला है, और न्याय हमसे शुरू होगा। हालेलुया, क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घराने से ही न्याय का आरंभ हो, अतः न्याय का आरंभ हमसे ही होगा। तो उनका क्या परिणाम होगा जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया। ये हमारे लिए भी एक चेतावनी है। हालेलुया, कि हम प्रभु के पीछे हम चल रहे, चर्च भी आ रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को देखिए, क्या हम सुसमाचार का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बैठना मात्र इस बात का सबूत नहीं है कि आप सुसमाचार पर आधारित जीवन जी रहे हैं। एक चुनौती हमारे लिए कि समय नजदीक है जब न्याय होने वाला है, सुसमाचार आधारित हमारा जीवन होना चाहिए। यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार प्राप्त करेगा, जो अच्छे से अपने जीवन को जी रहा धर्मी व्यक्ति है, वो ही कठिनाई से उद्धार प्राप्त करेगा, तो ईश्वर रहित और पापी मनुष्य क्या दशा होगी। हालेलुया। और अंत में दो बातें कहकर पत्रस यहां पर समाप्त करता है, 4 अध्याय खत्म हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। 4:19 में देखिए क्या कहता है, इसलिए वे भी जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार दुख उठाते हैं, उचित कार्य करते हुए अपने प्राण को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथ में सौंप दे। हमें क्या करना है, उचित कार्य करें, अनुचित कार्य नहीं, उचित कार्य कीजिए, अच्छे भले कार्य कीजिए। उचित कार्य वो उचित कार्य नहीं जो हमारी नजर में उचित है। कई बार हमारी नजर में जो उचित होते हैं वो प्रभु की नजर में अनुचित है। जैसे कि कई बार हमने किसी भाई को जो से निकाला जा रहा है, लेकिन उसके बारे में उससे पूछताछ हो रही है, अगर मैं झूठ बोल दूंगा तो उसकी जॉब बच जाएगी, और मैंने झूठ बोल दिया उसकी जॉब बच गई। अब बोल रहे यार झूठ बोला लेकिन मैंने भलाई के लिए बोला, ये
अनुचित बात है। प्रभु की नजर में पाप ये पाप है, तो प्रभु की नजर में जो उचित है वो कार्य हम करें, वैसा जीवन हम जिए, वैसा जो हमारी नजर में उचित जिसे हम समझते हैं। आप देख सकते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, वचन के प्रकाश में मैं जो कर रहा हूं क्या वो उचित है। दूसरी बात है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथ में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, आइए अपनी जगह पे हम खड़े हो जाएंगे।